हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, एक लाइव इंट्राडे ट्रेड कित लिया था मैंने, वो कैसे लिया था, किस बेसिस पे लिया था, उसका क्या एनालिसिस था, वो सब मैं शेयर करूंगा आज। तो मैंने आज ट्रेड लिया था एस्कॉर्ट्स में। तो चलिए एस्कॉर्ट्स का चार्ट देख लेते हैं। हाँ, ये रहा एस्कॉर्ट्स का चार्ट। आप देख सकते हैं एस्कॉर्ट्स यहाँ से ओपन हुआ, यहाँ पे जाके क्लोज हुआ। मैंने उसे इस कैंडल पे यहाँ पे सेल किया था, इस कैंडल के बिल्कुल यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 972 पे मैंने उसे सेल किया था, और उसका प्रॉफिट मैंने बुक किया यहाँ पे मैंने उसका प्रॉफिट बुक किया 956 पे। क्यों किया, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम अपना इंडिकेटर ले लेंगे, वी वैप। और अगर आपको नहीं पता कि वी वैप इंडिकेटर कैसे यूज़ किया जाता है, तो वी वैप इंडिकेटर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में यहाँ पे आई बटन में लिंक दे दूँगा, आप जाके देख सकते हैं। हम वी वैप का इसका थोड़ा कलर थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। ओके, हाँ, तो यहाँ पे हुआ क्या, मार्केट आज अब हम सबको पता था कि गैप डाउन हुआ। यहाँ पे गैप डाउन होने के बाद ही अब देख सकते हैं मार्केट का ऊपर जाने का कोई मूड नहीं था। अब देख सकते हैं यहाँ पे एक रेड कैंडल बनाया, ऊपर से सेलर्स का प्रेशर कितना है आप अपर वीक से देख सकते हैं। उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनाया, लेकिन उस कैंडल से ज़्यादा उसका विक ज़्यादा बड़ा है, मतलब सेलर्स प्रेशर डाल रहा है। उसके बाद ये फिर से ग्रीन कैंडल, मतलब सेलर्स फिर से प्रेशर डाल रहा है। उसके बाद एक रेड कैंडल, उसके बाद ये वी वैप के नीचे ये वाला रेड कैंडल क्लोज हुआ, लेकिन मैंने यहाँ पे ट्रेड नहीं लिया। देखिए, अपने स्ट्रेटजी के अनुसार जोन में आने का वेट कीजिए। यहाँ पर अगर मैं प्रॉफिट मतलब ट्रेड लेता तो मुझे यहाँ से यहाँ तक अप्रॉक्सीमेटली 8 रुपये का प्रॉफिट होता, लेकिन मैंने नहीं लिया। क्यों नहीं लिया देखते हैं। यहाँ से ये यहाँ तक आया क्योंकि मुझे पता था एक करेक्शन होगा, तो मैंने यहाँ पे इसका एक ट्रेंड लाइन बनाया ऐसे। ये ट्रेंड लाइन टूटा, मतलब ये करेक्शन आया। इस कैंडल में जाके मुझे समझ आ गया ये इसका डाउन ट्रेंड ही रहने वाला है। इस कैंडल में जाके अब देख सकते वी वैप के पास वाला ये वाला कैंडल भी एक वीक वी वैप के इधर लगाया, इधर तो एक बहुत ही लंबा वीक लगाया। ये वाला इंडिकेटर तो मतलब ये वाला कैंडल तो साफ साफ दिखा रहा है कि सेलर्स इसमें आ चुके हैं। फिर से भले ही ये वाला इंडिकेटर क्लोज हुआ वी वैप के ऊपर, लेकिन आपको यहाँ पे बाई नहीं करना है। देखिए, ये आपको गूगल में या फिर किसी किताब में नहीं मिलेगा, ये आपको खुद समझना पड़ेगा मार्केट में रह के। मैंने यहाँ पे बाई नहीं किया। तो यहाँ से जैसे ही इसने वी वैप यहाँ पे क्लोज दिया, ठीक है, तो मैंने इस कैंडल के यहाँ कहीं पर मैंने उसे सेल कर दिया, क्योंकि मुझे पता था अब ये नीचे ही जाने वाला है। और मैंने अपना टारगेट कैसे सेट किया देखते हैं। यहाँ से मैंने लगाया ये, हाँ, आप देख सकते हैं ये एक रेंज, और नीचे का रेंज भी हम दे देते हैं। यहाँ से आप पिछले दिन के क्लोजिंग प्राइस से अगर आप यहाँ से देंगे तो हाँ ऐसा ये एक रेंज। तो इस यहाँ पे इसने एक रेंज के पास सपोर्ट लिया, यहाँ पे आया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ से ये यहाँ तक गया, मैंने इसे यहाँ पे सेल कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से मेरा टारगेट था ट्रेंड लाइन नीचे का, यहाँ से यहाँ तक आया, फिर से करेक्शन, फिर से जब मैंने इसे इस कैंडल पे भेज दिया, मैं इसे इस कैंडल पे भी नहीं भेजता अगर इसके बाद वाला कैंडल भी रेड होता, क्योंकि जब भी इसके बाद वाला कैंडल आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे ट्रेंड लाइन के पास नीचे वीक बन रहा है, मतलब बायर्स आ रहा है यहाँ पे। तो मेरा यहाँ से अगर आप देखेंगे, यहाँ पे मैंने जब ट्रेड लिया था तब था 11:15, और जब मैंने ट्रेड क्लोज किया तब था 12:30, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 1 आवर के अंदर मेरा 1.56 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। तो
तो ये आप देख सकते हैं मेरे वी वेब स्ट्रेटजी के ऊपर, और इधर से आप देखेंगे जब मैंने यहाँ पे सेल किया उसके थोड़ी देर बाद ही मूविंग एवरेज ने यहाँ पे मूविंग एवरेज ने क्रॉसओवर दे दिया था। तो ये एक सिंपल प्राइस एक्शन पे बेस्ड ट्रेडिंग था। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, आपको समझ में आया होगा कि प्राइस एक्शन को कैसे समझा जाता है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मैं मिलता हूँ आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।